हेलो दोस्तों, प्रकाश फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं मैकबरी सिरप के बारे में। मैकबरी सिरप का हमारे पास तीन फॉर्म में उपलब्ध है, जो कि डीएक्स फॉर्म में और एलएस फॉर्म में और एक्सटी फॉर्म में, अर्थात तीन फॉर्म में हमारे पास ये सिरप उपलब्ध है। तो इन तीनों टाइप के जो सिरप आते हैं, इनके बारे में आज हम डिटेल में बताने वाले हैं कि कौन से सिरप किस खांसी में इस्तेमाल की जाती है। अक्सर आप देखे होंगे कि कभी कभी आपको खांसी आती है, डॉक्टर से कोई आपको सिरप देता है, बट कुछ समय बाद जब दो चार दिन बाद आप जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर उस सिरप को चेंज कर देता है, बोलता है ये नहीं सिरप, अब इस सिरप को चलाओ। तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली बात हो जाती है कि आखिर एक हमारे पास सिरप है तो दूसरी सिरप क्यों हम चलाएं या दूसरी सिरप क्यों लें। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम आपको बताने वाले हैं कि ये तीनों फॉर्म में जो मैकबरी एक्टी और डीएक्स और एलएस सिरप है, तो ये क्यों और कब चला जाती है, किस सिचुएशन पे कौन सी सिरप चलाई जाती है, तो इसकी हम डिटेल में आपको समझाने वाले हैं और जानकारी देने वाले हैं। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दो, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो आप, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं मैकबरी डीएक्स सिरप के बारे में। फिलहाल हमारे पास तीनों फॉर्म में उपलब्ध है इस समय, जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ, यदि ये तीन सिरप हैं हमारे पास। थोड़ा सा मैं एक बार आपको दिखा दूँ, उसके बाद मैं इसको बता रहा हूँ। तो ये है तीन फॉर्म में हमारे पास सिरप, देख सकते हैं। तो इन तीनों की आज हम जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं मैकबरी डीएक्स सिरप के बारे में। मैकबरी डीएक्स सिरप यह है ड्राई कफ सिरप है, अर्थात सूखी खांसी के लिए है। यदि आपको सूखी खांसी आ रही है और साथ में आपको कोई खांसने पर बलगम नहीं आ रही है, जो कफ कहते हैं, कफ नहीं आ रही है, बलगम नहीं आ रही है खांसने पर, सिर्फ बार बार आपको खांसी हो रही है, ज़्यादातर ये आपको होता है रात में, रात में अचानक आदमी को खांसी आने लगते हैं और वो सूखी खांसी होती है, या कभी भी, खैर खांसी कभी भी आ सकती है। तो यदि आपको सूखी खांसी है तो आप मैकबरी डीएक्स सिरप का इस्तेमाल करें, और इसकी कंपोजिशन आप याद कर लें, डेक्सामेथासोन हाइड्रोब्रोमाइड एंड क्लोरोफेनामिन मैलेट कफ सिरप। तो ये दो कंपोजिशन से मिल करके बना है। डेक्सामेथासोन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप जो है 10 mg है, और वही क्लोरोफेनामिन मैलेट सिरप जो है 4 mg में आपको इसमें मिलेंगे। तो आपको यदि सूखी खांसी हो और बार बार खांसी आ रही हो, खांसने पे कुछ आ नहीं रही हो, कभी कभी इतनी सूखी खांसी आ जाती है कि लोग परेशान हो जाते हैं, और खांसी आते आते आपको मतलब सांस नहीं ले मिलता है, तो ऐसी कुछ सिचुएशन में आप इसको इस्तेमाल करेंगे। डेक्सामेथासोन और जो क्लोरोफेनामिन मैलेट है, यह एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन है, अर्थात आपको किसी भी तरह के गले में एलर्जी है जिसकी वजह से खांसी आ रही है, उस एलर्जी को कंट्रोल करके और आपकी खांसी को कंट्रोल करेगा। अब चलिए सबसे दूसरी वाली सिरप जान लेते हैं मैकबरी एक्टी सिरप के बारे में, जो कि यह एक एक्सपेक्टोरेंट सिरप है, कफ रिलीफ फ्रॉम ब्रोंकोडायलेटर एंड म्यूकोलाइटिक। तो एक्सपेक्टोरेंट है और ब्रोंकोडायलेटर है और म्यूकोलाइटिक है, तीन कंपोजिशन से मिल करके बना है। साथ में मेंथाइल है, जो कि आपके गले में जो जलन होती है उसको कंट्रोल करता है और गले को ठंडा पहुंचाता है, राहत पहुंचाता है। इसमें इससे थोड़ी बहुत आपको दर्द जो गले की होती है वो भी राहत मिल जाती है। मैकबरी एक्टी सिरप में आपको खांसी आ रही है, बट खांसी के साथ में हल्की फुल्की कफ आ जा रही है, या हर बार जब आप खांस रहे हैं तो आपको कफ आ रही है, चाहे वो कफ गाढ़ा हो या ढीला कफ हो। तो यदि आपको खांसी के साथ में कफ आ रही हो, तब आप मैकबरी एक्टी सिरप का इस्तेमाल करेंगे। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो टर्बुटालिन सल्फेट है, एम्ब्रोक्साल हाइड्रोक्लोराइड है, और गुइफेंसिन एंड मेंथॉल सिरप है। तो ये चार कंपोजिशन से मिल करके बना है, और इसकी एमआरपी की बात करें तो 108 रुपये इसकी एमआरपी इस समय है। तो आप 108 रुपये में किसी भी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। आपको यदि खांसी के साथ में कफ आ रही है तो आप इस सिरप का इस्तेमाल करें। और कभी कभी होता है कि खांसी के साथ में कफ आए या ना आए, कभी कभी होता है खांसी भी होता है, कफ भी नहीं आता है, बट लोगों को ज़्यादा सांस फूलने लगती है, या कफ भी आता है, खांसी भी होती है, बट ज़्यादा सांस फूलने लगती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैकबरी डीएक्स सूखी खांसी के लिए, मैकबरी एक्सटी कफ वाली खांसी के लिए, बट इन दोनों के साथ यदि आपको सूखी खांसी है और सांस फूल रही है, खांसने पे ज़्यादा आपको सांस फूलने लग रही हो, या कफ वाली खांसी है लेकिन उसके साथ में यदि सांस आपको फूल रही हो, तो आप मैकबरी एलएस सिरप का इस्तेमाल करेंगे।
जो कि एक एक्सपेक्टोरेंट है कफ, जो कि ब्रोंकोडायलेक्टर और म्यूकुलाइटिक है। तो ये एक्सपेक्टोरेंट है अर्थात कफ को ढीला करता है और बाहर निकालता है, और म्यूकोलाइटिक एजेंट वो होते हैं जो कि आपके जो श्वास नली में जो भी कफ का जकड़म हो जाता है अर्थात तो जो आपको ज़्यादा लार्वा जो बन रहे हैं आपके गले में, तो उसको साफ करता है और आपको सांस लेने में आसान करता है। ब्रोंकोडायलेटर का ये वर्क होता है कि आपके ब्रोंकिज में अर्थात तो जो आपके सीने के जो ब्रोंकिज है, जो सीने के जो बारीक छिद्र हैं, उसमें कफ का जमाव हो जाता है, जो कि जो कफ ज़्यादा हार्ड हो जाता है, ज़्यादा थिक मोटा होता है कफ, उसको वो ढीला करके और बाहर निकालता है। और साथ में जो ब्रोंको डायलेटर है वो है जो है आपके जो सीने के जो भी अंदर छिद्र हैं उसमें स्वेलिंग की वजह से जो छिद्र बंद हो जाते हैं जिससे आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, तो उनको साफ करके ढीला करके और उस सूजन को कम करके आपके जो श्वास नली के जो भी जिससे आप सांस नहीं ले पा रहे हैं तो उसको ढीला करके और आपके जो ब्रीथिंग सिस्टम है उसको अच्छे से करता है जिससे आप आसानी से सांस ले पाते हैं। तो मैकबेरी एलएस सिरप का ये वर्क है। तो ये रही जानकारियाँ इन तीनों सिरप के बारे में। जानकारी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो फिर से बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें।